मैं चाहूंगा कि आपको डेफिनेशन के बारे में जान लो। वेरिएंस क्या होता है? पहली बात तो यह है कि वेरिएंस हमारे डाटा के स्प्रेड को यानी डिस्पर्सन को यानी वेरिएशन को निकालने का एक तरीका है। ये तीनों शब्द आसान सिनोनिम है। हम वेरिएंस के स्प्रेड बोल सकते हैं, स्प्रेड के डिस्पर्सन भी बोल सकते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे हम वजन के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए और लंबाई के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम वेरिएशन को नापने के लिए रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस इस तरह के कुछ स्टेटिस्टिकल करेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएंस भी उनमें से एक है। वेरिएंस इज ए मेजरमेंट ऑफ द स्प्रेड बिटवीन नंबर इन ए डाटा सेट। डाटा सेट का मतलब जो ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं उन सारे ऑब्जर्वेशंस को एक डाटा सेट बोला गया है। वेरिएंस मेजर्स हाउ फार ईच नंबर इज फ्रॉम द मीन। आपने सुना होगा इससे पहले हम रेंज बताई थी, इससे पहले कि रेंज भी एक तरीका है वेरिएंस निकालने का, वेरिएशन निकालने का। अगर रेंज में नुकसान यह है कि रेंज कंसीडर करता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंदर को रेंज कहते हैं। हमारे और डाटा कहां पर हैं, सारे डाटा को कंसीडर करके रेंज नहीं निकाली जाती, इसलिए रेंज को एक क्विक एस्टिमेशन ऑफ वेरिएशन बोला जाता है। आपको यदि हर डाटा को कंसीडर करके निकालना है तो आपको वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन पर ध्यान देना होगा। तीसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन के बाद निकालने का तरीका, और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, आगे भी आप समझेंगे, आगे भी आपके फॉर्मूले समझा जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस हो जाएगा, और वेरिएंस का अंडर रूट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अभी इस वीडियो में आगे हम जिन सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बता दूं। कैपिटल एन का मतलब है कि आप पूरे पॉपुलेशन का साइज या लॉट का साइज लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं। स्मॉल एन का मतलब है आपने पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल ले लिए हैं, आप उसके बेस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब मैं सिग्मा का इस्तेमाल करूंगा इसका मतलब मेरा पॉपुलेशन डेविएशन है। एस का इस्तेमाल करूंगा इसका मतलब सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिग्मा स्क्वायर का मतलब पॉपुलेशन का वेरिएंस, और एस स्क्वायर मतलब सैंपल का वेरिएंस। म्यू का मैं इस्तेमाल करूंगा जब मैं किसी पॉपुलेशन के सारे डाटा को लेकर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और एक्स बार का इस्तेमाल जब मैं करूँगा इस वीडियो के अंदर जब मैं सैंपल लेकर के उनका मीन निकाल रहा हूँ, तो एक्स बार कहलाएगा। सबसे पहले हम पॉपुलेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दो तरह के फॉर्मूले हैं। दोनों में अंतर केवल यह है कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है उसमें अंडर रूट का निशान नहीं लगा हुआ, और स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें अंडर रूट का निशान लगा हुआ है। हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले वो मेथड अपनाएंगे हम जिसको मैं बोलता हूं मैनुअल मेथड। इसकी तैयारी, मैंने ब्लैंक शीट को मैंने ब्लैंक कर दिया। ये मेरे डाटा पॉइंट है, ये डाटा सेट है मेरा, जिस सेट के अंदर काउंट लिखे हैं तो आप 10 काउंट है, यानी कि 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पूरे लॉट में पूरे पॉपुलेशन में 10 पीस हैं केवल, और हर पीस को मैंने चेक किया है, उसके बेस पे पूरे पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालने जा रहा हूं मैं। सबसे पहला है, आप इसका जो फॉर्मूला है ये जो दिया हुआ है इसमें आप ऊपर वाला हिस्सा जिसे न्यूमरेटर कहते हैं इसमें देखेंगे एक्स अंदर, एक्स एक्स मतलब ये रीडिंग्स है, फिर एक्स बार एक्स बार का इस्तेमाल जहां हुआ है वहां आप म्यू समझ लीजिए, क्योंकि लॉट के बारे में बात हो रही है तो आप म्यू मान लीजिए इसको, ठीक है? ये एक्स बार की जगह आप म्यू ले लीजिए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सिंबल का फर्क है, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है। यहां मैंने एवरेज निकाला इनका, और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करूंगा तो आपकी वीडियो छोटी बने। उसके बाद में हर रीडिंग में से मैं इसके मीन को घटाऊंगा। अब चूंकि मुझे मीन एक ही है मेरा, इसलिए मैं इसमें डॉलर का निशान लगा दूंगा। डॉलर का निशान लगाने से जब मैं फॉर्मूला कॉपी करूंगा
तो आप देखेंगे जे 16 ही सब जे आप इस फॉर्मूले देख रहे हैं, जे 6 में सिर्फ जे 16 घटा है, आप यहाँ देखेंगे जे 11 में जे 16 घटा है, इसका मतलब कि ये रीडिंग वेरी कॉन्स्टेंट हो गई जो कि जे 16 में लिखी हुई है, ये वेरी नहीं कर रही मेरे फॉर्मूले में। अब मैं इनका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने के लिए कैरेट की पावर 2 का इस्तेमाल करते हैं, अब मैंने आप न्यूमरेटर में देखेंगे मैंने समेशन के अलावा बाद बाकी चीज को सॉल्व कर लिया। सबसे पहले समेशन का निशान है उसके लिए मैं यहां पे मैं सम करूंगा, सम करने के लिए मैं सम फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, न्यूमरेटर को मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब एन का भाग लगाना रह गया है, एन का मतलब है इसके 10 पार्ट है मेरे, तो मैं 10 का भाग लगाया तो मेरा लॉट वेरियंस निकल के आ गया, और लॉट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। अभी जो वैल्यू निकाली है स्क्वायर रूट ऑफ 0.1716, तो ये मेरा 0.414246 मेरा लॉट स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया। ये फॉर्मूले के से निकाल के मैनुअली निकाला है मैंने, इसी चीज को एक्सेल के फंक्शन से निकालेंगे। तो फंक्शन की आप ये शीट देख लीजिए, अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, 2007 नहीं है मेरे पास, 2013 वर्जन है, तो इन चीजों का इस्तेमाल करूंगा मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। बराबर stdev.p उसके बाद रेंज, वेरियंस निकालने के var.p उसके बाद रेंज का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहां आ जाते हैं लॉट वेरियंस के लिए, हम var.p सॉरी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, उसके बाद मेरा रेंज भरी मैंने, मैंने यहां लिखा stdev.p, उसके बाद मैंने रेंज भरी। इस m कॉलम में आपने ये जो दो रीडिंग देख रहे हैं ये मैंने फंक्शन से निकाली है, और ये जो आप दो रीडिंग देख रहे हैं इनको मैं मान लो हाईलाइट करने के लिए येलो कलर से कर देता हूं, तो ये रीडिंग मैंने मैनुअली निकालेंगे। आप देख रहे हैं दोनों में कोई अंतर नहीं, इसका मतलब है मैनुअल तरीके से निकालने में मैंने कोई गलती नहीं किया है। अब हम यही कैलकुलेशन सैंपल वेरियंस और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए करेंगे, इनको मैं मिटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक्स बार मैंने ऐसे निकाला जैसे मीन निकालते हैं एवरेज के फंक्शन के द्वारा। अब मैं पहले तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, इसके फॉर्मूले कहाँ पर हैं। अच्छा तो ये होगा कि मैं इसको यहां ले आऊं ताकि आप इसको ठीक से देख पाए। ऊपर वाला वेरिएंस का है, नीचे वाला स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल के लिए। मीन निकालने के बाद में 1.2 में से मैंने घटाया 1.32, और मैंने F4 दबा देते हैं। किसी किसी कंप्यूटर में F4 दबाने से मान लो डॉलर का निशान नहीं लगता, तो आप मैनुअली टाइप कर लीजिए $J$30, आप F4 दबाने से आपका बात बन जाती है, तो आप F4 दबा लीजिए। पिछली बार मैंने स्क्वायर निकालने के लिए कैरेट के बाद 2 कर लगाया था, इस बार मैंने अलग तरीका अपनाया ताकि आप दोनों तरीके नाप लें। J19 इंटू J19 तो J19 का स्क्वायर हो गया, J21 इंटू J21 J21 का स्क्वायर हो गया। अब मैंने यहां सम किया, सम करना किया मैंने इन रीडिंग्स का, न्यूमेरेटर में जो ऊपर लिखा हुआ वो सारी चीज मैं कैलकुलेट कर ली। सिंपल वेरियंस निकालना है मुझे, इसमें मेरी 10 रीडिंग तो मैं 9 का भाग लगाऊंगा और इसका मैं अंडर रूट करूंगा, तो मेरा ये है आपका, मैंने जो हाईलाइट कर दिया येलो से सैंपल वेरिएंस, और मैंने जो हाईलाइट कर दिया ब्लू कलर से वो है आपका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। इन्हीं दोनों चीजों को हम फंक्शन के द्वारा निकालेंगे, आप फंक्शन देखेंगे ऊपर वाले टेबल का इस्तेमाल करेंगे, आप 2013 वर्जन है इसलिए आप इस कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। इस कॉलम को इस्तेमाल करने में आप ये देखेंगे
एस टी डी ई वी एस और वी आर एस एस निकालेंगे, तो ये हो गया आपका वी ए आर डॉट एस, हमने रीडिंग ली, उत्तर मेरा बिल्कुल मिल गया है एस टी डी ई वी डॉट एस। आप देख रहे हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये इससे मैच करता है, इससे मैच करता है। मैनुअल तरीका जो मैंने आपको पूरा बताया, ये तो आपको समझाने के लिए है कि वेरिएंस कैसे क्या होता है, इस फॉर्मूले का क्या मतलब है। आगे फ्यूचर में जब आप इनको अपने टेक्निक में टूल्स में इस्तेमाल करेंगे तो आपको यही फंक्शन का इस्तेमाल करना है ताकि क्विक कैलकुलेशन हो सके। जैसे मैं यहाँ करके दिखाएं आपको, ये वीडियो में यही अंत करता